प्रयागराज पुलिस को एक उल्लेखनीय सफलता मिली। आज सुबह प्रयागराज पुलिस को एक उल्लेखनीय सफलता मिली जब इस शूटआउट में शामिल उस्मान, जो कि कौड़ियारा थाने का प्रयागराज का रहने वाला था, वह उसी थाना क्षेत्र में एक साहसिक मुठभेड़ में घायल हुआ। इसमें हमारे प्रयागराज की टीम थी, जिसमें थाना प्रभारी कौड़ियारा, प्रभारी खीरी और थानाध्यक्ष शंकरगढ़ ये स्वयं शामिल थे, तथा इनके जो टीम थी वो भी शामिल थी। इस दौरान हमारा एक आरक्षी नरेंद्र, वो भी घायल हुआ है, जिसका उपचार चल रहा है। घायल उस्मान को तत्काल अस्पताल शिफ्ट किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हुई। उपरोक्त उस्मान पे 50,000 का इनाम था, तथा सभी चैनलों के माध्यम से जो वीडियो प्रसारित हुआ था उसमें यह व्यक्ति मृतक उमेश पाल को तथा हमारे जवान को गोली मारते हुए देखा जा सकता है। पुलिस कार्रवाई में मिली सफलता के लिए मैं इस पूरी पुलिस टीम को बधाई दूंगा, और इस प्रकार के अपराधी, इस प्रकार के हत्यारे जो दिन दहाड़े श्री उमेश पाल, जो अधिवक्ता भी थे, समाजसेवी भी थे, राजनीतिक कार्यकर्ता भी थे, उनकी हत्या किया, और उसके बाद हमारी सुरक्षा में लगे हुए दो पुलिस के जवानों का भी हत्या करने का कार्य किया था। आज जो मुठभेड़ हुई है, उस मुठभेड़ में दूसरा जो हत्यारा था वह भी मारा गया है, और मैं पुलिस की सराहना करते हुए उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता जनार्दन को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो अपराध करने वाले हैं, उत्तर प्रदेश की पुलिस, अगर ऐसे अपराधी पाताल के नीचे भी घुस जाएंगे, प्रदेश को छोड़ करके भी भाग जाएंगे या देश की सीमा से बाहर जाएंगे, तब भी उन्हें खोज करके और उनको जो दंड दिलाने का काम है वह निश्चित तौर से यूपी पुलिस करने में सफल होगी, और आगे जो बचे हुए अपराधी हैं उनको पकड़ करके कानून के अनुसार कठोर से कठोर कार्रवाई करवाने का काम किया जाएगा।